श्रीकृष्णाय नमः। पुष्य टीवी के माध्यम से हम सब पुनः एक नई चीज, एक नया दौर, एक नया सत्र लेकर आप सबके सामने आए हैं। पुष्टि टीवी के माध्यम से बहुत सारे विविध सत्संग कार्यक्रम आदि, संस्कार के कार्यक्रम आदि, परंपरा के कार्यक्रम आदि चलते आ रहे हैं। उसमें ही एक नया पुष्प के रूप में यह प्रश्नोत्तरी का, क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन मैं और चिरंजीव शरणम बाबा लेकर आ रहे हैं। आज के युवाओं को बहुत सारे प्रश्न होते हैं, चाहे वो खुद के लाइफ के रिलेटेड हों या हम जिस संप्रदाय में हैं उसके रिलेटेड हों, सेवा रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड आदि बहुत सारे क्वेश्चन हम सबको होते हैं, परंतु कई बार उसके प्रश्न का समाधान हमें नहीं मिल पाता है और उस कन्फ्यूजन में हम वो कार्य का या तो छोड़ देते हैं या तो उसे दूर चले जाते हैं। पर जो मन में प्रश्न हो उसका समाधान होना ज़रूरी है, और जब बात आए हमारे पुष्टि मार्ग की, हमारे हिंदू सनातन वैदिक धर्म की, तब कोई भी छोटा से छोटा प्रश्न हो उसका समाधान होकर और एज अ हिंदू, एज अ वैष्णव, हमें हमारे संप्रदाय के प्रति हर एक प्रश्न उसका जवाब और उसकी समझ हमें अवश्य होनी चाहिए। तो आइए इस प्रश्नोत्तरी के द्वारा, हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस के द्वारा आज के युवाओं को जो प्रश्न है, आज के यंगस्टर्स के जो भी प्रश्न है उसका उत्तर लेकर मैं और शरणम बाबा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आइए इस सत्र का प्रारंभ करें। वी ऑल हैव डिफरेंट क्वेश्चंस, बट समटाइम्स वी गेट आंसर्स एंड समटाइम्स वी डोंट। इन परिस्थितियों में जब हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तब हम कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आइए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पुष्टि टीवी के माध्यम से हम जुड़कर और ऐसे कई हमारे मन में आते प्रश्नों का समाधान करें, उन प्रश्नों को प्रकट करें। आपके जो भी प्रश्न हो वो पुष्टि टीवी के इस वीडियो के आप कमेंट में टाइप करके और हमें सेंड करिए। आने वाले एपिसोड्स में जितने भी प्रश्न होंगे उनका, जिन जिन प्रश्नों का हम उत्तर दे पाएंगे उनका अवश्य ही आने वाले एपिसोड्स में हम उत्तर देंगे। तो चलिए इस पहले एपिसोड में हम शुरू करते हैं। तो एक युवा मित्र का प्रश्न है कि ब्रह्म संबंध क्यों लेना चाहिए, व्हाई शुड वी टेक ब्रह्म संबंध। ब्रह्म संबंध की जो चर्चा करें तो उससे पहले ये जाने कि ब्रह्म संबंध है क्या, ब्रह्म संबंध क्यों लेना चाहिए तो बात की बात है, परंतु ब्रह्म संबंध है क्या वो जानना बहुत ही जरूरी है। व्हाई शुड वी टेक ब्रह्म संबंध। तो ब्रह्म संबंध इसलिए हमें लेना चाहिए क्योंकि जो और सब मार्ग हैं और सब तरीके हैं, ब्रह्म माने आनंद कंद पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तो जो श्री कृष्ण है उनसे जुड़ने का, उनके पास जाने का, उनके निकट जाने का सबसे इजिएस्ट वे कौन सा है, तो वो है ब्रह्म संबंध। इसके नाम में ही इटसेल्फ आ जाता है ब्रह्म संबंध, यानी ब्रह्म के साथ संबंध, द अटैचमेंट विच वी गेट वाइल कनेक्टिंग विद श्री कृष्ण। तो कृष्ण से जुड़कर जो लगाव होता है, जुड़ाव होता है, वह ब्रह्म के साथ यह संबंध है। तो ब्रह्म के साथ संबंध हमें स्थापित करना है पुष्टि मार्ग में। हमें प्रभु की सेवा करनी हो, ठाकुर जी की सेवा करनी हो, तो हमें ब्रह्म संबंध लेना जरूरी है। जैसे कोई स्कूल होती है और उस स्कूल में हम जाते हैं तो उस स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, एडमिशन लेकर और फिर उस स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस का फॉलो हमें करना है, उसका यूनिफॉर्म पहनना है, उसकी बुक्स हमें लानी है और उसके जो सिलेबस होता है उसका अध्ययन करना होता है। तो जब तक हम एडमिशन नहीं लेते हैं तब तक हम उस स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर और वहाँ लीगली जा नहीं सकते हैं, और अगर गए तो पकड़े गए तो बाहर हो जाते हैं। तो हम जो एडमिशन लेकर जाएं तो हम अप्रूव्ड गिनाते हैं। उसी तरह जो ये परंपरा ब्रह्म संबंध की चली आ रही है, तो ब्रह्म संबंध लेकर हमें अधिकार मिलता है, हमें अधिकार प्राप्त होता है कि हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। यह परंपरा लगभग 500 से भी अधिक वर्षों से चली आ रही है और स्वयं प्रभु द्वारा श्री आचार्य चरण कृष्ण महाप्रभु जी को यह दीक्षा प्राप्त हुई, और यह दीक्षा फिर श्री दामोदर दास जी को प्रथम यह दीक्षा प्राप्त हुई। तो ये जो ब्रह्म संबंध की यात्रा है, तो हम इसलिए ब्रह्म संबंध हमें लेना चाहिए। तो हिस्ट्री हमने थोड़ी जानी, परंतु हमें ब्रह्म संबंध इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ब्रह्म संबंध से हम जो आउटर वर्ल्ड से जो कनेक्टेड हैं
वो तो रहे, पर उस आउटर वर्ल्ड में हम कितना प्रभु से जुड़ सकते हैं, वह इस ब्रह्म संबंध के द्वारा हम स्थापित कर सकते हैं, दीक्षित हो सकते हैं और दीक्षा लेकर और से और हम प्रभु की सेवा करें। और जितने भी हमारे ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो हो सर्वदोष निवृत्तिर्हि, सभी जो दोष हमारे अंदर हैं वो सब दोष दूर होते हैं, उसकी निवृत्ति होती है, और हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारा शरीर ये सब जो अपवित्रता है, जो नेगेटिविटीज है, ये सब दूर होती है और एक पॉजिटिव एनर्जी हमें ऊर्जा मिलती है, और उस पॉजिटिव ऊर्जा के साथ हम हमारा फिर जीवन प्रभु सेवा में और भी सब कार्य में लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम वैष्णव तो हैं, वैष्णव कुल में भी हमारा जन्म हुआ है, वैष्णव परिवार में जन्म हुआ है हमारा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ब्रह्म संबंध नहीं लेना है। भले वैष्णव परिवार में जन्म हुआ, हम वैष्णव तो हैं, परंतु ब्रह्म संबंध तो हमें तो भी लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ेगा, उसी से हमें प्रभु सेवा की प्राप्ति होती है, अधिकार मिलता है। जो भी वल्लभ कुल आचार्य चरण विराजमान है, श्री महाप्रभु जी से लेकर उनकी पूरी परंपरा, जो भी आचार्य बालक विराज रहे हैं वो सभी ब्रह्म संबंध देते हैं, और श्री आचार्य बालक ही ब्रह्म संबंध दे सकते हैं। तो इसी भावना के साथ ब्रह्म संबंध हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वो हमारी अंतर्बाह्य शुद्धि होती है और प्रभु मिलन का ये एक स्टेज है, एक अवसर है। तो ब्रह्म संबंध के बारे में तो हमने जाना, परंतु एक युवा को ये भी प्रश्न है कि वाई इज इट नॉट कॉल्ड कृष्ण संबंध, क्योंकि कृष्ण ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही कृष्ण है, तो कृष्ण संबंध क्यों नहीं बुलाते और ब्रह्म संबंध क्यों बुलाते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूंगा कि श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि परब्रह्म तो कृष्ण ही सच्चिदानंद कम बृहद, भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म है। तो प्रश्न होता है कि ब्रह्म कौन है? क्या ब्रह्म ही ब्रह्मा है? तो नहीं, ब्रह्म वो है जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म वो है जो इस अनंत समुद्र संसार में और इस अंतरिक्ष में, जिसके रोम रोम में अंतरिक्ष हैं, वो परब्रह्म है। जो क्षीर सागर में शयन करते हैं वो परब्रह्म है। वो ही जब श्री नंद बाबा यशोदा के घर जन्म लेते हैं तब उनका नाम कृष्ण पड़ता है। उसी परब्रह्मावतरण केशव क्लेशनाशन, वो परब्रह्म का ही अवतरण, इनकार्नेशन इन हिज कंप्लीट फॉर्म, व्हेन द डिवाइन टेक्स बर्थ ही इज नोन एज श्री कृष्ण। तो वो जो परब्रह्म है, वो परमात्मा, वो परम सत्य, वो परम सत्तावान जो भगवान है, वही श्री कृष्ण है, और उन्हीं को वेद, उपनिषद, पुराण, श्रुतियां, स्मृतियां, वो उन्हें ब्रह्म के नाम से जानती है। और इसीलिए यहाँ श्री वल्लभाचार्य जी ने, जो श्री कृष्ण को नहीं जानते हों परंतु वो उस पर ब्रह्म को जानते हों, उसको समझने की लालसा रखते हों, क्योंकि सनातन धर्म वो सत्य की खोज है। इन द जर्नी ऑफ फाइंडिंग ट्रूथ वन हैज टू वॉक ऑन द पाथ, और उस मार्ग पर चलने के लिए, उस सत्य को खोजने के लिए जब व्यक्ति मार्ग में प्रवेश करता है, वो एक राह चुनता है, तब उस राह पे चलने के लिए उसे उस राह पे चलते हुए किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, कौन सी चैलेंजेस उसके सामने आएंगी, उन सभी बातों का निर्धारण होता है, और साथ ही साथ साथ में उसे कौन से इक्विपमेंट्स रखने होंगे, कौन से टूल्स रखने होंगे, कौन से साधनों को उसे अपने साथ रखना होगा उस मार्ग से पार होने के लिए। तो ऐसे ही उन परब्रह्म श्री कृष्ण जो ब्रह्म रूप हैं, जो परब्रह्म हैं, वही श्री कृष्ण हैं, और वो जब नंद बाबा यशोदा के घर जन्म लेकर और कृष्ण बनते हैं, तब गोपियों की तरह उन्हें प्रेम करना है। जैसे साधन गोपियों ने किए, ब्रजभक्तों ने किए, ब्रजवासियों ने किए, वैसे ही साधन करते हुए हमें श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। तो ब्रह्म से संबंध जो है, वो रिलेशनशिप, मेंटेनिंग, डेवलपिंग एंड क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप विद द अल्टीमेट रियलिटी, विद द अल्टीमेट ट्रूथ, द परब्रह्म हु इज नोन एज श्री कृष्ण। इसीलिए इसे हम कृष्ण संबंध नहीं परंतु ब्रह्म संबंध कहते हैं, क्योंकि
ये जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो परम सत्य है, उसके साथ जीव का और जगदीश का गुरु की कृपा से संबंध स्थापित होता है, इसीलिए वो ब्रह्म के साथ का जीव का संबंध है। अगले क्वेश्चन में एक युवा मित्र पूछता है कि जब ब्रह्म संबंध ले लिया हमने और ब्रह्म संबंध लेने के बाद हम वैष्णव भी हो गए, परंतु वैष्णव होने के बाद वल्लभ कुल परिवार का हमारे जीवन में, एक वैष्णव के जीवन में क्या रोल होता है? वल्लभ कुल कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और कई बार क्या होता है कि गुरु तो हम बना लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, परंतु कई बार दीक्षा लेकर फिर हम भूल जाते हैं कि हमारे गुरु प्रत्यय का हमारा क्या कर्तव्य है, उस दीक्षा का क्या महत्व है, अथवा तो दीक्षा लिए बाद अथवा तो गुरु को प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना है, ये कई बार हम भूल जाते हैं। परंतु गुरु के साथ का भी एक संबंध है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन यू एंड योर गुरु और टीचर, तो रिलेशन मेंटेन करना भी हम सबको आना चाहिए कि गुरु का क्या महत्व है। हम सब कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, तो हम उनको कंपेयर तो करते हैं उस परम तत्व के साथ, परंतु कितना हम उसको मानते हैं वो बहुत जरूरी है। क्योंकि गुरु एक वो स्थान है हमारा जीवन में कि जब हम कहीं भी भटक जाते हैं, कहीं भी हम हमारे लोज होते हैं जीवन के, हमारे हाई होते हैं जीवन के, या जो भी हम खराब से खराब परिस्थिति में हो, वहां से बाहर निकालने का कार्य, हमको गाइड करने का कार्य गुरु करते हैं। तो गुरु वह अवश्य होने चाहिए और वह हमारे जीवन में एक रोशनी के जैसे, प्रकाश के जैसे हमें एनलाइटन करते हैं, हमारे जो भी डार्कनेसेस होते हैं उसको दूर करके, और एक ब्राइटर फ्यूचर, ब्राइटर हम खुद कितने ब्राइट हो सकते हैं वो प्रकाश करने का कार्य गुरु करते हैं। पुष्टि मार्ग में हर एक दीक्षा से लेकर और बाद में सेवा का जो प्रकार है, सेवा पद्धति है, उन सब में ही गुरु आज्ञा का महत्व है। हमें छोटी से छोटी कोई भी सेवा करनी हो उसमें भी गुरु आज्ञा लेकर करनी चाहिए। हम ठाकुर जी सेव्य कराते हैं, वह भी गुरु के पास कराते हैं। नाम निवेदन, आत्मनिवेदन दीक्षा लेते हैं, वह भी गुरु के पास लेते हैं। तो दीक्षा भी गुरु के पास लेते हैं, सेवा भी गुरु की आज्ञा से करते हैं, और फिर सेवा में भी कोई भी क्रम में बढ़ाना है, कम करना है, वह भी गुरु आज्ञा से ही करना चाहिए। तो हर एक क्षण में, हर एक परिस्थिति में, हर एक स्टेप्स में गुरु की आज्ञा अवश्य है, क्योंकि गुरु की आज्ञा इसलिए अवश्य है, प्रभु किससे प्रसन्न होते हैं? तो प्रभु ने उनकी सेवा की डोर श्री आचार्य चरण को सौंपी और उनके माध्यम से उनकी परंपरा में ही वल्लभ कुल विराजमान है, तो उनकी आज्ञा से ही हम सेवा करेंगे तो प्रभु भी प्रसन्न होंगे और सेवा में कुछ हमसे कष्ट भी नहीं होगा, उसका भी ध्यान गुरु रखते हैं। तो इसीलिए गुरु का हुआ हमारे जीवन में बहुत ही अवश्य है, महत्व का है। गुरु वह एक ऐसा भी तत्व है, ऐसा कहा जाता है कि गुरु मिले इष्ट मिले, मिले भजन रसरीत, ताही के संग कीजिए खान पान और प्रीत। जो हमारा सर्कल होना चाहिए वो भी कैसा होना चाहिए कि हमारा गुरु एक दूसरे से मिलने चाहिए, हमारे इष्ट भगवान जो हैं वो भी एक दूसरे से मिलने चाहिए, हमारा जो भजन पाठ का और भोजन प्रकार का जो रीत है वो भी एक दूसरे से मिलना चाहिए। तो उसी के संग, ताही के संग कीजिए खान पान और प्रीत, तो उसी से प्रेम खान पीन के व्यवहार रखने चाहिए। तो गुरु भी हमारे एक होने चाहिए। वल्लभ कुल भले अलग स्वरूप से सब विराज रहे हैं पर सभी आचार्य स्वरूप हैं, वह मानना खूब ही जरूरी है। तो हम सब वल्लभ कुल भी आचार्य स्वरूप विराजमान है और वैष्णव भी सब वैष्णव स्वरूप विराजमान है, तो उसमें भेद भावना रखकर और छोटो बड़ो न जानिए सभी एक स्वरूप, वो भाव रखकर और सभी गुरु चरणों को, सभी गुरुजनों को एक मानकर गुरु आज्ञा लेकर सेवा करनी चाहिए। और गुरु बिना कहीं हम भटक सकते हैं तो उसका उचित मार्ग भी गुरु ही दिखाते हैं। तो गुरु के द्वारा हम सेवा तो करते हैं, सेवा प्राप्त होती है, गुरु हमें सेवा का मार्ग बताते हैं, परंतु यह जो सेवा है, ऐसा एक प्रश्न बालक का है कि एक जो सेवा है वह सेवा क्यों करनी चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है? तो ये कई लोगों को प्रश्न होता है
कि सेवा क्यों करें, उससे क्या मिलेगा, उससे क्या प्राप्त होगा, वॉट डू वी गेन फ्रॉम इट। बट समटाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट आर वी लूजिंग। कई बार हम उस पर ही ध्यान देते हैं जहां हमारा भला हो रहा हो, जहां हमें कुछ प्राप्त हो रहा हो, परंतु कई केस में ऐसा होता है कि भक्ति ऐसी एक तत्व है, भक्ति वो तत्व है जिससे हम कुछ प्राप्त तो करें या ना करें पर हम कुछ खो जरूर देते हैं। तो भाई क्या खोते हैं हम? तो हम हमारा अहंकार खोते हैं, हम हमारी एंजाइटी यानी कि मानसिक रोग जो होते हैं उनका शमन होता है, हम लालच रूपी वो अवगुणों को खोते हैं, हम ईर्ष्या को खोते हैं, हम भय को खोते हैं। तो सेवा जो है, भक्ति जो है, वो हम किस लिए करते हैं? कुछ पाने के लिए नहीं, परंतु हम एक सद व्यक्ति बन सकें, हम एक सज्जन बन सकें, उस हेतु से हम सेवा करते हैं। साथ ही साथ पुष्टि भक्ति मार्ग में तो हम सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि हमसे प्रभु प्रसन्न हो, हमें कुछ प्राप्त हो जाए उसलिए नहीं, परंतु हमारे अलौकिक बालक के रूप में, इन अ फॉर्म ऑफ डिवाइन चाइल्ड, द वे अ मदर डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द चाइल्ड। एक माँ अपने बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं रखती, केवल और केवल निष्काम प्रेम से उसका लालन पालन करती है। उसी भाव से पुष्टि मार्ग में हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम प्रभु से कुछ मांगते नहीं हैं, केवल और केवल प्रभु को हम अपना प्रेम, अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपनी शरणागति, इनसे हम प्रभु की सेवा करते हैं। और जब हमारी शरणागति, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम, ये चारों ही तत्व भगवान के चरणों में, प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाता है सेवा के माध्यम से, तब श्री ठाकुर जी तो जानते ही हैं कि ये मेरा जीव है और उसे क्या चाहिए। गुजराती में कहते हैं कि ए तो उभो छे तने बधुज आपवा माटे, तू जो चमची लई उभो छे सागर मांगवा माटे। वो हमें सब कुछ देने तैयार हैं, पर कई बार हम अपनी छोटी छोटी इच्छाएं उनके सामने प्रकट करके और कुछ बहुत बड़ा गुमा देते हैं। तो सेवा जब हम करें, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू डू सेवा, यहाँ सेवा हम कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, पर हम अपने अवगुणों को छोड़ने के लिए, हम एक सद व्यक्ति बनने के लिए, एक सज्जन बनने के लिए, एक वैष्णव बनने के लिए, हम केवल और केवल निष्काम भाव से, कोई अपेक्षा रखते हुए नहीं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम सेवा करते हैं, तब सच्चे मायनों में सेवा का सही मतलब हम अपने जीवन में जी सकते हैं। सेवा से ही रिलेटेड एक वैष्णव ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा लंबा प्रश्न है इसलिए हम दोनों ही साथ में मिलकर उसका जवाब देंगे। द ट्रेडिशन ऑफ सेवा वॉज क्रिएटेड अबाउट 500 to 600 ईयर्स अगो, व्हेन पीपल्स लाइफस्टाइल, लोगों की जीवन शैलियां वो बहुत अलग थी आज से। तो हाउ इज इट प्रैक्टिकल टू डू द कंप्लीट सेवा इन द मॉडर्न लाइफस्टाइल, आज की जीवन शैली में उसी प्रकार से सेवा करना कैसे प्रैक्टिकल है? बहुत ही विचारणीय और बढ़िया क्वेश्चन है जो सबको करीब करीब होता होगा, परंतु जो विचार करें तो 500-600 साल पहले का जो लाइफस्टाइल था, हमारी जीवन शैली थी, वेज ऑफ लिविंग, वेज ऑफ वर्शिपिंग जो था, वो सब आज के करते डेफिनेटली अलग ही था, परंतु उसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सेवा प्रकार में या तो हमारी लाइफस्टाइल में आज भी उसको एज इट इज हम उसको निर्वाह करते हैं। जैसे कि प्रभु सेवा की बाबत हैं कई सारी, हमारी मैन मर्यादा की जो बाबतें हैं, अप्रस प्रकार है आदि जो प्रकार हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो उस समय से 500-600 सालों से जो वो रिचुअल्स हैं, हमारी जीवन शैली हो या तो फिर हमारा जीवन को देखने का जो नज़रिया है, तो वो कई सारी चीज़ें पहले से जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो एक तरीके से देखने जाएं तो प्रैक्टिकल भी हैं आज के ज़माने में, और
प्रैक्टिकल है और इतने सालों से चली आ रही है, इसीलिए शायद उसको कल्चर या तो ट्रेडिशन कहते होंगे, वो ट्रेडिशन है, वो परंपरा है। तो आज के मॉडर्निज्म में हम बहुत बार क्या सोचते हैं कि हम नया कुछ वेस्टर्न कल्चर का या कोई दूसरे कल्चर का अपनाएंगे तो हम ज़्यादा मॉडर्न कहलाएंगे, और उस चक्कर में कहीं हम हमारी परंपराएं, ट्रेडिशंस कहीं पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि हम मॉडर्न बनना चाहते हैं। परंतु मॉडर्न बनना ये नहीं है कि आप कुछ पीछे का छोड़ के, आपके परंपरा को छोड़ के, आपके कल्चर ट्रेडिशन को छोड़कर आप कुछ नई चीज़ें अपनाएं। इसे मॉडर्निज्म कहना एक तरीके से ठीक नहीं है क्योंकि हमारी वैल्यूज़ को छोड़कर हम कुछ और अपना रहे हैं। तो जो परंपराएं चली आ रही हैं वो आज के ज़माने में भी इतनी प्रैक्टिकल हैं जितनी उस समय थी। उसका एक छोटा सा उदाहरण ले तो अप्रस का जो हमारा प्रकार है, इस COVID-19 में हमें शुद्धता रखनी, सैनिटाइजेशन का पालन करना, डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना, ये सब पद्धतियाँ अभी कुछ वायरस के कारण हम अवेयर हुए हैं, परंतु ये परंपराएं हमारी 550-600 सालों से चली आ रही हैं। तो ये ऐसी कई सारी परंपराएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं, इसका पालन हम पहले से करते आ रहे हैं, पर आज के सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से, अप्स एंड डाउन्स की वजह से, कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण हम उसको आइडेंटिफाई कर सके हैं। परंतु ये तो चली आ रही है और पालन इसका चल ही रहा है कई वर्षों से, तो ये इतनी ही प्रैक्टिकल हैं जितनी उस समय थी, और आज भी इसके बेनिफिट्स भी इतने ही हैं। हम चाहे प्रभु सेवा की बात करें, सामग्री के जो प्रकार हैं उसकी बात करें, सामग्री की बात करें तो उसमें सामग्री में जो विविध प्रकार का जो रेसिपीज का जो संकलन करने में आया है, उससे हमारा रोग होता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, वो भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं कि वो सॉल्व हो सकते हैं। महाप्रसाद है उसका तो अलग ही बात है, उसमें अलग ही ऊर्जा है, अलग ही पावर है, परंतु उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी नहीं है। ऋतु अनुसार सामग्रियां हैं, ऋतु अनुसार जो अत्तर का जो प्रकार है, ऋतु अनुसार गान का जो कीर्तनों का प्रकार है, उसी सब अलग अलग प्रकार से जो ये परंपराएं हैं उसका आज के समय में भी बहुत ही प्रैक्टिकल महत्व है। आज के नए सॉन्ग्स हम सुनते हैं उसमें कई बार क्या होता है कि दो चार लाइंस होती हैं वही रिपीट कर करके और पूरा सॉन्ग बना देते हैं, उसमें कुछ भाव नहीं होता है, उसमें लौकिकता का बहुत ही बड़ा स्वरूप होता है। और परंपरा की जब बात करते हैं हम, तब वो परंपरा से, पद्धति से, उन प्रभु की लीलाओं का अनुभव करते हुए, उन प्रभु की लीलाओं को देखते हुए, उनका अनुभव एक्सपीरियंस करते हुए, उनको जानकर, और वो रसिकता को जब वर्णन करने में आता है तब उसका पूरा भाव ही अलग हो जाता है। तो कई बातें ऐसी हैं जो हम कंपेयर कर सकते हैं, परंतु हमको प्रश्न तभी होते हैं जब हम परंपरा की बात करें और मॉडर्निज्म की बात करें, तब हम मॉडर्निज्म को इतना चाहने लगते हैं, उसको इतना हम प्रशंसा करते हैं उसकी, कि हम हमारी परंपरा को फिर कहीं पीछे छोड़ जाते हैं तो घृणा हो जाती है। तो परंपराओं का भी हमें इतना ही पालन करना चाहिए और इतनी प्रैक्टिकल परंपराएं हैं जितना आज का समय है। तो हमें ऐसा नहीं मानना है कि परंपराएं इतने सालों से पहले से हैं तो हमें आज के युग में उसको प्रैक्टिकली हमें पालन नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया बात आपने कही, और इसमें ऐसी भी बात है कि ये सभी जो परंपराएं आपने भी कहा कि चाहे वो राग हो, चाहे भोग हो, चाहे श्रृंगार हो, इसमें साइकोलॉजिकल बातें भी हैं जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए कलर थेरेपी, तो किस ऋतु में किस दिन कौन से रंग आएंगे उसका भी ध्यान रखा गया है, साथ ही साथ क्या खाने से कौन सी बीमारियां मिटेंगी। अगर हम श्री गोसाई जी द्वारा बताया हुआ अष्टायाम सेवा प्रकार यदि हम निभाते हैं, उसमें जो ठाकुर जी रोकते हैं वो सभी सामग्री हम उसी प्रकार से लेते हैं, तो हमें कोई प्रकार के रोग ही नहीं हो सकते। इतना सुंदर निर्धारण सब किया हुआ है कि वो आज भी प्रैक्टिकल है, और क्यों नहीं, जैसे हमने वाई टू डू सेवा में जाना कि ठाकुर जी को हम एक बालक स्वरूप में सेवा करते हैं, तो आज भी इसलिए प्रैक्टिकल है क्योंकि ये जो अष्टायाम सेवा की परंपरा है, जैसे ठाकुर जी को मंगल भोग धरते हैं
ऐसे आजकल हम ब्रेकफास्ट करते हैं। जैसे ठाकुर जी को श्रृंगार किए जाते हैं, ऐसे हम भी स्नान करके और वस्त्र धारण करते हैं। जैसे ठाकुर जी को श्रृंगार भोग, गोपी वल्लभ भोग समर्पित किया जाता है, वैसे ही हम स्नैक्स करते हैं। फिर जैसे राजभोग ठाकुर जी को समर्पित किया जाता है, ऐसे ही हम लंच करते हैं। तो वो सुबह से लेकर स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेकफास्ट टिल डिनर, जैसे एक व्यक्ति की जीवन शैली होती है, जैसे एक व्यक्ति की दिनचर्या होती है, उसी प्रकार से श्री ठाकुर जी की भी दिनचर्या है। उनका भी पूरा डेली शेड्यूल है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे हम जीते हैं यथा देहे तथा देवे, हम कहते हैं कि जैसे हम रह रहे हैं, जैसे हम जी रहे हैं, जितने गर्म पानी से हम नहाते हैं उतने ही गर्म जल से ठाकुर जी को स्नान कराते हैं। जैसे हमको ठंडी लगती है और हम रजाई ओढ़ते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी को भी हम दुलाई और रजाई ओढ़ाते हैं। तो ये क्यों किया जाता है? बिकॉज दिस इज प्रैक्टिकल। हम जैसे रहते हैं ऐसे हमारे ठाकुर जी भी रहते हैं। तो इसीलिए ये साइंटिफिक है, ये प्रैक्टिकल है, ये इनडेप्थ स्टडी के बाद और एक्सपीरियंस के बाद, केवल किसी को अच्छा लगे या कोई इस पे चलेगा तो उसको मजा आएगा इसलिए नहीं, परंतु आचार्यों ने स्वयं इस मार्ग पर चल के स्वयं अनुभूति को प्राप्त करके, और फिर आचार्य कौन है जो स्वयं आचरण करे और फिर दूसरों को शिक्षा दे। तो श्री वल्लभ विट्ठल ने स्वयं आचरण किया, खुद ने एक्सपीरियंस किया, और इसीलिए कहा कि मार्गो एवं सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः, सभी मार्गों में मेरा मार्ग उत्तम है क्योंकि मैंने इस मार्ग को अनुभव किया है। और इसीलिए ये पुष्टि मार्ग आज भी इन 21st सेंचुरी, पुष्टि मार्ग इज द मोस्ट प्रैक्टिकल पाथ ऑफ डिवोशन। बहुत सुंदर बात की। इसका ही एक आगे का प्रश्न ऐसा है कि प्रभु की कृपा तो हम पर है, पर उस कृपा को लेकर क्या ये उचित है कि वो समय की सेवा, इतने वर्षों की पहले की सेवा हम न करें और आज के समय के युग के हिसाब से सेवा करें, जो सेवा गोसाई जी ने बताई है उस हिसाब से सेवा न करें परंतु आज के युग के हिसाब से सेवा करें, तो एक अंदर से गिल्ट होता है, ऐसा अनुभव होता है, तो क्या ये उचित है कि नहीं, उसका ऐसा प्रश्न है। इस प्रश्न का हम बहुत ही सरलता से समझेंगे। श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी ने जब इस मार्ग के भक्तों के लिए एक भक्ति का मार्ग प्रस्थापित किया, तब उन्होंने कभी भी ये बंधन नहीं रखा कि आपको इतना करना ही पड़ेगा, इस दिन इतना धरना ही पड़ेगा, इस दिन ठाकुर जी को ये प्रकार की सामग्री आपको कंपलसरी करनी ही पड़ेगी, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आपकी जैसी अनुकूलता, ठाकुर जी को आप केवल नाम लेकर श्री कृष्ण शरणम मम नाम सेवा भी बताई, अगर आप स्वरूप सेवा नहीं कर सकते तो आप केवल ठाकुर जी का नाम स्मरण करो, श्री कृष्ण शरणम मम, इस नाम से, इस मंत्र के माध्यम से भी आपकी सेवा हो रही है। फिर दूसरा प्रकार बताया कि आप केवल ठाकुर जी के दर्शन करो, आपसे मंगला से शयन तक की अष्टायाम सेवा नहीं हो रही, कोई बात नहीं, घर में ठाकुर जी पधराओ और खाली दर्शन करो, दर्शन या ठाकुर जी, वो भी नहीं हो रहा, उससे और आगे बढ़ना है एक स्टेप, तो आप मिश्री भोग धरो, मिश्री भोग से आगे फिर आप दूधघर धरो, नागरी धरो, अनसकड़ी धरो, सकड़ी भोग धरो, अष्टायाम सेवा करो, सभी प्रकार बताए। और इन सब के अलावा और भी प्रकार हैं कि या तो आप केवल और केवल वैष्णवों की सेवा करो, क्योंकि भगवतीय वैष्णव हैं, वो भी भगवत स्वरूप हैं, वो भी ठाकुर जी के स्वरूप हैं, तो उन वैष्णवों की सेवा करो। यदि गुरु की सेवा में आ सकती है तो आप गुरु की सेवा करो। तो ये सभी प्रकार की सेवाएं जो हैं, व्यक्ति को श्री आचार्य चरणों ने ये बंधन नहीं कर दिया कि आपको यही करना पड़ेगा, वो फ्रीडम दी है। भक्ति वो फ्रीडम है, वो निखालसता है कि भक्त तेरे हृदय में जो भाव है, द वे यू वॉन्ट टू प्रे, द वे यू वॉन्ट टू वर्शिप द डिवाइन, उस तरह से तुझे जैसे पसंद हो, तू जिस चीज को करते हुए अपनी आत्मा को प्रसन्न पाता हो, तो उस पद्धति से भगवत प्राप्ति कर, परंतु सेवा जरूर कर, बिना सेवा के अपने जीवन को निर्वाह मत कर। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुझे जो ऑप्शन तेरे लिए अच्छा लगे, द वन सूट्स यू, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट, उस मार्ग को चुन, उस पद्धति को चुन, और अपने अंतरात्मा में उस परब्रह्म की अनुभूति को अनुभव कर। तो
ये जो सेवा है, ये सेवा को हम कई अनेक प्रकारों से तब भी किया जाता था और उन्हीं आचार्यों की आज्ञा से आज भी हम उन्हीं अनेक प्रकारों से हमारी सुविधा के अनुसार हम अपने माथे प्रभु को पधरा के और सेवा कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा कि पुष्टि मार्ग इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मार्ग, द मोस्ट प्रैक्टिकल डिवाइन वे टू रीच द अल्टीमेट रियलिटी, भगवान श्री कृष्ण। तो आज इन प्रश्नों में हमने कई सारे अलग अलग उत्तरों को सुना और साथ ही साथ कई परंपराओं के बारे में और इतिहास के बारे में भी हमने जाना। तो इन अनेक विषयों के माध्यम से, इन अनेक प्रश्नों के माध्यम से हमने गुरु कौन है, वल्लभ कुल कौन है, सेवा कौन कर सकता है, कैसे की जाती है, कैसी सेवा कर सकते हैं और आज कैसे सेवा प्रैक्टिकल है, और साथ ही साथ कैसे ब्रह्म संबंध कौन ले सकता है, क्यों लेना चाहिए, उन बातों को भी हमने जाना। आने वाले एपिसोड्स में आपके जो भी प्रश्न हो उनको आप कमेंट्स में मेंशन करके और आपके जिन जिन प्रश्नों का उत्तर हम दे पाएंगे वो अवश्य ही आने वाले एपिसोड्स में उनको कवर करके और आपके प्रश्नों का समाधान करने का हम दोनों ही साथ मिलकर पूज्य भ्रातृचरण श्री आश्रय कुमार जी और मैं, हम दोनों ही उन प्रश्नों का उत्तर देने का अवश्य ही प्रयास करेंगे। आपके इन प्रश्नों से आपको तो सीख मिलती ही है पर हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है, हमें भी जानने को और आपको बताने का एक अलग ही आनंद मिलता है। तो उस आनंद को बरकरार रखिए। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो जो आप परिवार से, गुरुजनों से या किसी से ना पूछते हो, संप्रदाय रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके मन में हो वो आप जरूर से कमेंट में लिखिए, जरूर से पूछिए। हमारे प्रयास द्वारा आपके यह प्रश्नों का उत्तर समाधान जरूर से देने का प्रयास करेंगे। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।